पत्नी मायके क्या चली गई, पति ने कर दी ऐसी हरकत, 3 घंटे तक देखता रहा पूरा गांव, अब ब्याह से क्या कहें। प्रगाढ़ प्रेम की मिसाल या फिर सिर्फ फ्री हरकत, प्रश्न चिन्ह। दरअसल हुआ यूं कि पत्नी के वियोग में एक बेचारा पति हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया, ठीक वैसे ही जैसे शोले फिल्म में वीरू, धर्मेंद्र, बसंती, हेमा मालिनी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था। फिल्म में वीरू को तो बसंती मिल गई थी, मगर असल जिंदगी पर आधारित इस घटना में बेचारे पति को कुछ ऐसा मिला जिसका उसे जरा भी अंदाजा न था। जी हाँ, असल जिंदगी की इस घटना में बेचारे पति को कुछ हासिल नहीं हो सका, उल्टा उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पति ने ऐसा क्यों किया ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पति से परेशान होकर पत्नी मायके चली गई तो पति ने हाई टेंशन लाइन पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। सूचना पर सीओ बिधुना और एसडीएम पहुंच गए। करीब 3 घंटे तक अफसरों को छक्काने के बाद वे नीचे उतरा। उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उससे जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो वे बोला, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। शख्स ने ये भी बताया कि उसकी पत्नी 3 माह पहले पुत्र को लेकर मायके चली गई थी। शुक्रवार की सुबह ककरा थाना तिरवा जनपद कनौज निवासी सुरेंद्र राजपूत पुत्र मोहन लाल ने यह हरकत की। सुरेंद्र बेला थाना क्षेत्र के गांव चिरौली के मजरा नयापोरवा से कानपुर बल्लभगढ़ जाने वाली हाई टेंशन लाइन के पोल नंबर 0181 पर चढ़ गया। जब लोगों का ध्यान उस पर पड़ा तो हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचित कर बुलाया गया। थाना अध्यक्ष विष्णु गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सुरेंद्र को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने एक न सुनी। आन फानन में बल्लभगढ़ से शट डाउन कराया गया। करीब 3 घंटे तक छक्काने के बाद सुरेंद्र नीचे उतरा। उसने बताया कि उसके माँ पिता की मौत हो चुकी है, ससुराल गांव प्यारी पुरवा में है। पत्नी रजनी 3 माह पहले पुत्र को लेकर घर छोड़कर चली गई। अब वह एकदम अकेला महसूस कर रहा है। उसने पत्नी को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब वह उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। सुरेंद्र शराब का लती है। वह शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ रोजाना मारपीट करता था, जिस वजह से वे उसे छोड़कर चली गई। घर वापसी की बात पर वे आत्महत्या के इरादे से बिजली के पोल पर चढ़ा था।